कि अगर पाकिस्तान से कोई सीमा हैदर अगर हिंदुस्तान में पहुंचती है तो उसका पूजा किया जाता है, खूब तारीफ की जाती है, भाभी और भौजी तक कहा जाता है। लेकिन अगर वही हिंदुस्तान का कोई हिंदू अगर मुस्लिम बन जाए तो फिर उस पर सवालिया निशान क्यों खड़ा होता है। रोजी खातून के घर पे है, जिस रोजी पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि प्यार के जाल में फंसा करके सरवन को साहिल बनाया है और धर्म परिवर्तन। ये बताइए रोजी है घर पे? परिवार हमारे बेटी के बहुत हालत खराब है, ओकरा के फसावल जाय जाता हमारा बेटी के। ठीक बा, जोन होई तो अब सरकार का करी है। अब उन लोगों की प्यार में फंसा करके तू अतार बेटी उनका के ई बना देले बड़ा लोग मुस्लिम बना देले। अब फसावल जाता तो खातिर का बा। अच्छा, बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे हैं जो ये कह रहे हैं कि सरवन जो है वो फिर से अगर हिंदू नहीं बनता है या पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करती है तो फिर बजरंग दल जो है वो अपने तरीके से कार्रवाई करेगी। बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। रोजी खातून के घर पे हैं, जिस रोजी पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि प्यार के जाल में फंसा करके सरवन को साहिल बनाया है और धर्म परिवर्तन कराई है। आइए बातचीत करेंगे, रोजी से थोड़ी सी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उनकी माँ है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। यही वो घर है। ये बताइए रोजी है घर पे? तबीयत खराब हुआ, ढेर तबीयत खराब, बात करवा दे बेटा, नुकरा के छोड़ दिला, हमरे से बात करी। क्योंकि आरोपी उन्हीं को बनाया जाता, तब ठीक बा, जन बाबू तो लोग के ऊपर बा, सरकार के ऊपर बा, का करी ना करी। भाई हमारे बेटी के बहुत हालत खराब बा, ओकरा के फसावल जाय जाता हमारा बेटी के। ठीक बा, जोन होई तो अब सरकार का करी है, अब उन लोग के ऊपर बा। बैठी बैठी है जी, बैठी। तो बताई कि ये जो सरवन जो साहिल बनल बड़न, उनकर माई कह तरी कि प्यार में फंसा करके तू अतार बेटी उनका के ई बना देले बड़ा लो, मुस्लिम बना देले बड़ा लो। हम कुछ नहीं की जानत बेटा। ठीक बा, सच्चाई सच्चाई आई है सामने, झूठाई झूठाई होला, सच्चाई आई सामने, केक बनेले बा ना बनेले बा। अच्छा, इस बात को मानती है ना कि सरवन कुछ दिन पहले आपकी बेटी से बात किया करता था, आपके घर काम वाम के लिए आता था? काम वाम खातिर हमरा घरे नहीं खन आयल, हाँ लगे रहन घर द्वार बा, बात विचार होत रहा, ई बात हम माने, ई बात के हम झूठ ना कहे। जाता रास्ता में बाबू है बात हो बात है, बस इतने। अब एक अलावे हम कुछ, उसकी माँ तो कह रही है कि घर में कोई नहीं है, कोई काम पड़ता था तो मेरा बेटी छान लेवे सन, हमारी बेटी सब कार करे सन, बेटी बेटे बन के रहे सन, अब फसावल जाता तो खातिर का बा। अच्छा सर बेटा, अच्छा मैं कितना सच्चाई भाई मामला में, सच्चाई कितना है? हमारा घबराहट एकदम हार्ट के मरी। देखिए कुछ लोकल चैनल पहुंच रहे हैं रोजी के घर और सरवन के घर और इस बात को दिखा रहे हैं कि धर्म परिवर्तन करने की बात दिखा रहे हैं। आज कई ऐसे कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं बजरंग दल करके, बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे हैं जो ये कह रहे हैं कि सरवन जो है वो फिर से अगर हिंदू नहीं बनता है या पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करती है तो फिर बजरंग दल जो है वो अपने तरीके से कार्रवाई करेगी। और कई सारे YouTube चैनल के यूट्यूबर्स आ रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि धर्म परिवर्तन कराया गया है, जबरन रोजी जो है और उसके घर के लोग जो हैं यानी रोजी और उसकी माँ वो सरवन को साहिल बनाई है। देखिए तस्वीर एक बार से फिर दिखा दें कि यही वो घर है, अभी हम मैरवा में हैं। ये घर जो है ये रोजी खातून का घर है और बगल में घर, ये ग्रीन कलर का जो घर दिख रहा है ये सरवन का घर है। लेकिन जब सरवन की माँ से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने क्या कहा है उस पर तो अपनी प्रतिक्रिया आपने दी ही, लेकिन आज बजरंग दल के कार्यकर्ता मैरवा में पहुंचे हैं, सरवन के घर पे पहुंचे हैं और उन्होंने न्यूज़ इंडिया तक से बात करते वक्त ये साफ तौर पे कहा है कि साहिल अगर सरवन नहीं बनता है या पुलिस प्रशासन जिले के आला अधिकारी अगर सरवन को ढूंढ कर नहीं लाते हैं तो फिर बजरंग दल जो है उसे ढूंढने का काम करेगा और आगे कार्रवाई करेगी। लेकिन देखिए इस देश में इस तरह से कहा जाए न्यूज़ चैनलों को, इतनी दोगली नीति रखते हैं ये न्यूज़ चैनल वाले कि अगर पाकिस्तान से कोई सीमा हैदर अगर हिंदुस्तान में पहुंचती है तो उसका पूजा किया जाता है, खूब तारीफ की जाती है, भाभी और भौजी तक कहा जाता है। लेकिन अगर वही हिंदुस्तान का कोई हिंदू अगर मुस्लिम बन जाए तो फिर उस पर सवालिया निशान क्यों खड़ा होता है? आखिर जब संविधानिक तौर तरीके से सरवन का उम्र लगभग 20 साल से ज़्यादा बताया जा रहा है और संविधानिक तौर तरीके से वो रह सकता है, खा सकता है, पी सकता है, बोल सकता है और अपना धर्म भी परिवर्तन कर सकता है, तो फिर आज इतने जो लोग हैं जो संरक्षण देने की बात कर रहे हैं और खुद को खुद कानून अपने हाथ में लेने की बात कर रहे हैं वो आज सरवन के घर क्यों आ रहे हैं?
पिछले आठ महीना से सरवन घर से गायब था, लेकिन किसी की नजर सरवन पे नहीं पड़ी। सरवन की माँ ये कह रही है कि हम उसको बहुत ढूंढे लेकिन नहीं मिला। एक महीना पूर्व सरवन की माँ जो है मैरवा थाने में आवेदन दी है, पुलिस अभी तक नहीं ढूंढ पाई है। लेकिन देखिए कितनी दोगली नीति है देश में गोदी मीडिया की, कि पाकिस्तान गद्दार देश पाकिस्तान से आए सीमा को किस तरह से संरक्षण देने की बात की जाती है। जब यूपी एटीएस की टीम जब पूछताछ करती है तो ये भी पता चलता है कि सीमा हैदर जो है वो ISI की एजेंट है, लेकिन इस पर सवाल नहीं उठता है क्योंकि वो गोदी मीडिया है, दोगली नीति के साथ अपनी तमाम खबरें दिखाती है। सिवान के मैरवा में है लगातार, इस पे हम चर्चा करेंगे और ये खबर हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि सरवन जो है वो शाहिल कैसे बना और जिला प्रशासन कब तक जो सरवन है यानी कि शाहिल बन चुका है उसे ढूंढकर कोर्ट के समक्ष रखती है, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। देखिए ऐसी तमाम खबरों के लिए न्यूज़ इंडिया के साथ आप बने रहें। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आसान क्योंकि आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबूजर हुसैन द्वारा कंप्यूटर से चेक कर किया जा रहा है बेहतरीन इलाज। तिल मासा मुहासे रोकना, झुर्री छाई हटाना, डर्मा रोलर और PRP भी होता है। चेहरे की गड्ढों को लेजर मशीन से भरना या लेजर मशीन से मोटापा घटाना हो तो आज ही चले आइए आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबूजर हुसैन। पता है रेलवे स्टेशन के नजदीक सिसवन ढाला के पास।